क्या आप भी ये सुनते आ रहे हो कि अगर तुम्हारे फेस पे एक्ने और पिंपल है तो मेकअप तो बिल्कुल मत लगाना। बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन एवर। मेकअप लगाने से हमारे फेस पे पिंपल नहीं होता है, बल्कि अगर हम मेकअप को हमारे फेस से अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं और हमारे स्किन का केयर अच्छे से नहीं करते हैं, तभी जाके जो है हमें पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑनेस्ट और बहुत ही सिंपल स्किन केयर स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ टू टेक केयर ऑफ माय वेरी सेंसिटिव एक्ने प्रोन ऑयली स्किन। एंड ये जो स्टेप्स है, इसे अगर आप भी फॉलो करते हो देन आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चाहे आप जितना मर्जी मेकअप कर लो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू रिमूव मेकअप फ्रॉम आवर फेस। सो यहाँ पे मैं एक माइसेलर वाटर की मदद से अपने मेकअप को रिमूव कर रही हूँ। अगर आपके पास माइसेलर वाटर ना हो तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो फेशियल ऑयल हो या फिर क्लेंजर हो, उसके मदद से आप ईजिली अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल भी ना हो देन गो फॉर बेबी ऑयल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेस से मेकअप को रिमूव कर देता है। एंड सबसे बेस्ट होता है माइसेलर वाटर, बिकॉज ये बिल्कुल माइनटली हमारे फेस से मेकअप को रिमूव करता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो अच्छे से मेकअप को अपने फेस से रिमूव तक नहीं करते और बस आके सो जाता है विथ मेकअप ऑन। सो इसी के लिए ही जो है हमें ब्रेकआउट्स होता है, पिंपल्स आते हैं, क्योंकि अगर हमारे फेस पे मेकअप रह जाता है तो उससे हमारे जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं। एंड अगर ऑयली स्किन हो तो वो और भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। और अगर नॉर्मल स्किन भी हो, अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन भी ना हो, तो उससे भी जो है आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। एंड अगर आपको कभी भी पिंपल ना आता हो तो आपको उस टाइम पे पिंपल ज़रूर ही आ जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हमारे फेस से जो है मेकअप को रिमूव करना होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाली हूँ अपने फेस को डबल क्लेंस, यानी कि मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ एक माइल्ड फेस वॉश। सो ये जो सेकेंड स्टेप है, ये भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फेस में कोई भी बचा कुचा मेकअप प्रोडक्ट रह गया हो तो वो निकल जाता है बहुत ईजीली। एंड साथ में आपके फेस में जितना भी सीबम या फिर ऑयल प्रोडक्शन हुआ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लेंज आउट हो जाता है। एंड हियर इज़ अ क्विक टिप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, चाहे आपका स्किन टाइप कैसा भी हो, फेस वॉश आपको हमेशा पूरे 1 मिनट के लिए करना है। जी हाँ, 60 सेकेंड इज़ द रूल, क्योंकि आपके फेस वॉश में जो भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो काम नहीं करेगा इफ़ यू डोंट यूज़ द फेस वॉश फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। सो जस्ट आफ्टर फॉलोइंग 2 स्टेप्स द स्किन फील्स सो गुड ऑलरेडी, मतलब स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम ब्रेकिंग आउट, बिल्कुल भी कहीं पे भी ऑयल डर्ट या मेकअप कुछ भी नहीं होता है। बट दिस इज़ नॉट इनाफ, इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने स्किन को केयर करना है, बिकॉज आपने बहुत कुछ कर लिया है अभी तक अपने स्किन पे। सो सबसे पहले आई विल बी यूजिंग अ माचा टी टोनर। सो दिस इज़ माई वेरी फेवरेट टोनर विच आई एम यूजिंग करेंट, लिए बहुत ही एक अच्छा टोनर है। सो दिस इज़ फ्रॉम क्यूमी ब्यूटी। मैं यहाँ पे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आई विल ट्राई टू लिंक ऑल ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बेसिकली अप्लाइंग टोनर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि इससे जो है आपके फेस का पीएच मेंटेन रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डबल क्लेंस किया है। सो आपका फेस जो है उसमें से नेचुरल ऑयल भी थोड़ा बहुत स्ट्रिप ऑफ हो चुका है। तो अभी अगर आप लोग इस स्टेज पे अच्छे तरीके से टोनर को अप्लाई करते हो एंड उसे अपने फेस में सोक इन करने का टाइम देते हो, तो इससे जो है आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगता है एंड साथ में जो पीएच है स्किन का वो भी बिल्कुल मेंटेन रहता है। सो हियर्स टू द लास्ट स्टेप, जिसमें मैं अप्लाई करने वाली हूँ माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र। सो ये जो मॉइस्चराइज़र है, दिस इज़ फ्रॉम बायोडर्मा, एंड आपको जो है ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने से पहले कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हो, विटामिन सी हो या फिर कोई भी आपका मन पसंदीदा। और अगर आप मेरी तरह ऑयली स्किन टाइप वाले हो देन ओनली गो फॉर मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्किन में
मसाज करना है हल्के हाथों से, क्योंकि इससे जो है आपका स्किन टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा एंड साथ में इट विल लाइक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू योर स्किन। एंड जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको हमेशा अपने मॉइस्चराइजर को अपवर्ड डायरेक्शन में अपने स्किन में मसाज करना है। इससे जो है स्किन इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहता है एंड साथ में ब्रेकआउट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम होने लगते हैं। So that was my 4 easy steps that I follow after I'm done with makeup. So here you can see the glow on my face. It's so amazing. Okay, wait. Something for my lips is important before I go to bed. मैं यहाँ पे use कर रही हूँ मेरा सबसे favorite lip balm which is from SLPS Wellness. थोड़ा सा लिप्स का हाइड्रेशन भी ज़रूरी होता है एंड हियर आई एम ऑल सेट टू गो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो देन नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।